हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं सिंपल मैथ क्विज एप्लीकेशन इन जावा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने बना के रखा है एक क्विज एप्लीकेशन जिसमें दो डिजिट रैंडम नंबर जनरेट होंगे और साथ ही आपको एक टेक्स्ट फील्ड दिया गया है जहाँ पर आप अपना आंसर सेव कर सकें। यहाँ पर आप अपना आंसर लिख सकते हैं, जैसे 36+36, अगर हम यहाँ पर 72 लिखते हैं और फिर सबमिट कर देते हैं तो ये राइट आंसर आ जाता है। लेकिन अगर हम इसको रिसेट कर देते हैं और ये देखिए बदल गया और यहाँ पर हम कोई भी गलत आंसर डाल देते हैं तो ये रॉन्ग आंसर दे रहा है। ये सिंपल से यही हमको बनाना है क्विज एप्लीकेशन, और इसके लिए हम आपको पूरा कोड बता सकते थे बना के, लेकिन हम पूरा कोड नहीं बनाने वाले हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। इससे अच्छा है कि मैं आपको इसमें क्या क्या यूज हुआ है और कैसे यूज हुआ ये बता दूँ, ये बेटर रहेगा क्योंकि आपके समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी। और साथ ही मैं ये जो सोर्स कोड है इसको मैं अपने गूगल ड्राइव पे अब लगा दूंगा, जिसका लिंक वीडियो वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको। तो सिंपली हम इसको सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं सीधे इसके जीयूआई पे चल के। हमने इसको इसमें विंडो बिल्डर का यूज किया है इक्लिप्स पे और उसी के द्वारा बनाया गया है। तो सिंपली हम इस पे जाते हैं, देखिए अब यहाँ पर हम आ गए हैं हाँ इसके मतलब मेन जीयूआई एप्लीकेशन पे, जहाँ से हम देख सकते हैं कि ये कुछ लेबल्स लगे हुए हैं। ये एक लेबल है, ये एक ऑपरेटर है जो कि ये भी एक लेबल ही है और ये भी लेबल है, ये टेक्स्ट फील्ड है, ये बटन है, ये बटन और ये भी लेबल है। इन सबको क्या करना है हमको मतलब अपना प्रो लॉजिक लगा के इनका मतलब वैल्यू ही चेंज करना है। जैसे ये लेबल है, इसकी वैल्यू कभी भी हम चेंज कर लें, या फिर इसकी वैल्यू जो टेक्स्ट है ये हम रैंडमली चेंज करते हैं और बाद में इसको गेट करके हम देखते हैं कि वो उसके बराबर है या नहीं है। तो जैसे अगर हम मैं आपको बताऊं कि जो ये रैंडम नंबर जनरेट होगा, इसकी जो इंटीजर वैल्यू और इसकी जो इंटीजर वैल्यू आएगी उसको हम इसके इक्विवेलेंट रखेंगे, अगर वो सही होता है तो आंसर सही है, अगर नहीं सही होता है तो आंसर गलत है। अब इसके पीछे का जो लॉजिक है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके लिए हम चलते हैं सीधे सोर्स कोड पे। बस इतना याद रखना कि इसमें क्या क्या यूज हुआ है, जैसे कि ये लेबल्स हुए हैं, ये एक टेक्स्ट फील्ड है और ये बटन है सबमिट बटन और ये रिसेट बटन जिससे रिसेट हो जाता है सब कुछ। अब चलते हैं कोड पे। कोड में हमने सिंपली ये अभी जैसे कि देख सकते हैं ये क्लास बनी है मैथ क्विज नाम की और इसमें फ्रेम वगैरह सब लगा हुआ है। ये एक इसका कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर का मतलब आपको पता ही है कि ये अपना ऑब्जेक्ट बनते ही चल जाता है। तो जो भी फ्रेम वर्क होता है इसमें, जो फ्रेम के लिए वर्क होता है वो हम कंस्ट्रक्टर में रखते हैं, वही हम यहाँ पर किए हैं, जिससे इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये पूरा आप देख सकते हैं। और उसके बाद सबसे नीचे हमने एक मेन मेथड बनाया है जहाँ से हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू मेन मैथ क्विज का, जो कि हमने ऊपर देखा ही था इसका इस क्लास का नाम है। जब हम ये मैथ क्विज इसका मतलब इनिशलाइज करते हैं तो ये जो क्लास होती है इसकी कंस्ट्रक्टर चलती है और कंस्ट्रक्टर में हमारा पूरा कोड लिखा हुआ है। और एक चीज़ और, इसमें एक मेथड और है रैंडम जनरेटर का। रैंडम जनरेटर क्या करता है कि ये एक वैल्यू जनरेट करता है समय समय पर, जो भी हम आप इसको कॉल करोगे ये एक वैल्यू जनरेट कर देगा नया। और उसके लिए हमने यहाँ पर देखिए क्लास लिया हुआ है रैंडम, ये जावा डॉट यूटिल में पाया जाता है और इसको हम आप इंपोर्ट कर सकते हैं सिंपली। तो रैंडम क्लास का यूज करके हमने यहाँ पर कुछ रैंडम नंबर जनरेट करते हैं और फिर उस नंबर को हम कहीं स्टोर करते हैं, और वो आप देख सकते हैं जैसे कि दो नंबर यहाँ जनरेट किए हैं और इसको स्टोर करते हैं नंबर 1 और नंबर 2। अब नंबर 1 नंबर 2 का आप देखें तो ये यहाँ पर एक इंस्टेंस वेरिएबल के रूप में रखा है, ये देखिए यहाँ पर ये वेरिएबल में रखा है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और इसमें तीन चीज़ें हैं नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3। ये आपका जो नंबर 1 है ये लेबल लेबल ही है, लेबल की सेट करते हैं वैल्यू, जो लेबल था उस पर ये वैल्यू देगा और वो कैसे देगा वो भी हम एक्सप्लेन करते हैं अभी। तो यहाँ तक समझ में आया कि हमने क्या किया, जैसे कि डिज़ाइन मोड पर अगर हम चले तो ये लेबल है, ये लेबल है, इन दोनों को जनरेट करेंगे, जो इसकी मतलब टेक्स्ट है उसको जनरेट करते हैं रैंडम नंबर से, और रैंडम जनरेट होने के बाद उसको हम जब हम सबमिट करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू लिख दिए हम और उसके बाद सबमिट करते हैं, तो इस पे जो सबमिट बटन है इस पर एक एक्शन लिसनर लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखें सबमिट बटन इसका ये है, ये इसका सबमिट बटन है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अगर आप क्योंकि इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ,
अगर मैं इसका पूरा कोड आपके सामने बनाता तो ये कुछ 15 मिनट का वीडियो हो जाता, लेकिन इतना टाइम किसी के पास है नहीं। और सिंपली आप इसको वीडियो के नीचे लिंक जाइए और इसका डाउनलोड करके आप अपना दिमाग लगा सकते हैं उसमें। मैं तो सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जैसे जो सबमिट बटन था वो ये है, और इस पे लगा है एक एक्शन लिसनर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक्शन लिसनर मतलब ये जो कोड है एक्शन परफॉर्मर के अंदर, ये चलेगा जब आप उस पर क्लिक करेंगे, उस सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, तीन इंटीजर वैल्यू हम ले रहे हैं। कहाँ कहाँ से? जो हमारा टेक्स्ट फील्ड था, और जो हमारा लेवल था, और ये जो लेवल था, मतलब जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं उनका, और जो टेक्स्ट फील्ड हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं उसका, वो हम उनका तीनों वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पर इंटीजर के रूप में। इफ एल्स की कंडीशन लगाते हैं, इफ एल्स की कंडीशन सही होने पर राइट आंसर है, और गलत होने पर रॉन्ग आंसर है। बस सिंपल सा यही सिंपल लॉजिक है। और अगर रीसेट वाला लॉजिक आप देखना चाहें तो रीसेट वाला लॉजिक यहाँ पर है, रीसेट बटन जो था वो रीसेट कर देता है। और उसके लिए ये देखिए यहाँ पर एक बटन जो है रीसेट बटन, उसका लॉजिक ये है, उस पर भी एक्शन लिसनर लगा हुआ है। और जब रीसेट बटन मतलब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से एक रैंडम जनरेटर वाला मेथड कॉल होता है, जो कि यहाँ पर हमने बनाया है। ये मेथड यहाँ से कॉल होता है और एक नई नया नंबर जनरेट हो जाता है। और जो हमारा टेक्स्ट फील्ड था, जहाँ हम वैल्यू मतलब ये जो अभी दिखा देता हूँ, यहाँ पर हम इनपुट करते हैं, इसका जो वैल्यू हो जाता है नल, मतलब वहाँ जो प्रीवियस वैल्यू थी वो गायब हो जाएगी, वहाँ हो जाएगा नल। और इसी तरह से ये आप समझ सकते हैं। अगर इसमें और ये जो ऊपर जितने सारे कोड लिखे हैं, इनको देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब फ्रेम बनाने में सारे यूज हुए हैं। ये जो सारे कोड हैं ये सब फ्रेम में बनाने के लिए यूज हुए हैं। मेन चीज़ हमारा क्या है, ये जो बटन है सबमिट बटन, इसमें ये सबमिट बटन है, और इसमें जो ये एक्शन एक्शन लिसनर लगा हुआ है, इसमें जो हमने लॉजिक बनाया है। ये लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया तो ये कोड कुछ कुछ ज़्यादा मतलब टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आप इस कोड को एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, और सिंपल से तरीका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। हम मेन फोकस करना है कि जो हमारा मतलब कोई भी डेटा है उसको हम रैंडमली जनरेट करें, क्योंकि क्विज में ऐसा ही होता है। क्विज में आप मतलब एक सीक्वेंस नहीं दे सकते ना, आपको वहाँ पर रैंडम ही जनरेट करना पड़ता है। जो भी मतलब जो भी अंक आए वो रैंडमली आए, तभी अच्छा भी लगता है। नहीं तो वैसे भी अगर आप सीक्वेंस से देंगे तो वो क्विज नहीं रह जाएगा, फिर क्विज का मतलब है कि वो रैंडम आए। चलिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं दोबारा से। जैसे हाँ, ये आ गया आपका 4 4 रैंडम नंबर जनरेट हुआ। और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 9 4 4 9 और सबमिट कर देता हूँ, रॉन्ग आंसर, क्योंकि ये गलत है। और पीछे का लॉजिक आपको पता है, क्योंकि इस पर भी एक एक्शन लिसनर लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, वो कंपेयर करता है, पहले इन दोनों से वैल्यू लेगा, इन तीनों से वैल्यू लेगा और उसको कंपेयर करेगा। और अगर वो सही है तो सही है, नहीं है तो नहीं है। रीसेट करते हैं तो फिर ये रैंडम नंबर जो जनरेटर है वो कॉल होता है, और ये वैल्यू जो टेक्स्ट फील्ड थी वो 0 हो जाती है, यानी नल हो जाती है, उसमें कोई वैल्यू नहीं रह जाती। अब 52 प्लस 52, इसको अगर 104 हम लिखते हैं और सबमिट कर देते हैं तो ये राइट आंसर है, क्योंकि ये सही है। लेकिन वहीं इसको रिसेट करते हैं और दोबारा 29 प्लस 29, अगर हम इसको 90 कर दें तो ये गलत है। पूरी तरह कोड को समझने के लिए आप सिंपली कोई सोर्स कोड है जो डाउनलोड कर सकते हैं, और आप अपने मशीन पर इसको चला भी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको थोड़ा सा पैकेज वगैरह का ध्यान रखना होगा, पैकेज वगैरह हटा दीजिए, बाकी आपके कोड अपने आपके कंप्यूटर पर भी ये चल जाएगा। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है समझने में, या किसी लाइन में दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको जल्द से जल्द आंसर उसका बताएंगे और आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन हम देंगे। धन्यवाद।